नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। और नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है घाटी से जुड़ी हुई, क्योंकि वहां पर इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। हालांकि अभी स्पीड 2G ही मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे हालात घाटी में बिल्कुल सामान्य हो चले हैं। अब लोग आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे, और आपको बता दें 2G स्पीड इंटरनेट की अभी फिलहाल लोगों को मिल रही है। और आपको ये भी बता दें कि फोन लाइंस भी शुरू हो चुकी हैं, टेलीफोन के माध्यम से भी आसानी से लोग अपनों को संपर्क साध पा रहे हैं। और अभी जो कश्मीर में हालात हैं वो सामान्य नजर आ रहे हैं। सोमवार को बताया जा रहा है घाटी में स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकार की जो है लगातार समीक्षा बैठकें चल रही हैं, और घाटी के हालात पर सरकार निगाह बनाए हुए है। बिल्कुल, तो जम्मू, कठुआ और सांबा सहित कुछ और जिलों में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, और लेकिन इसमें 2G स्पीड ही अभी दी जा रही है। हालांकि धीरे धीरे सामान्य सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी, और टेलीफोन सेवाओं की अगर बात करें तो वो भी शुरू होने जा रही हैं, और कई जगहों पर शुरू हो चुकी हैं घाटी में। और सोमवार से स्कूल कॉलेज खुलने जा रहे हैं, सरकारी दफ्तर खुल चुके हैं, तो लगातार हालात पूरी तरह से सामान्य होते जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है, आम दिनों की तरह लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। आज से कई इलाकों में इंटरनेट और फोन सेवा को बहाल किया गया है। जम्मू, रियासी, सांभा, कठुआ और उधमपुर में इंटरनेट अब काम कर रहा है। सोमवार से श्रीनगर में स्कूल कॉलेज भी खुलने जा रहे हैं। कश्मीर में सरकारी दफ्तर शुक्रवार से ही खुले हुए हैं। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद से धारा 144 लागू की गई थी। एहतियातन घाटी में इंटरनेट और फोन सेवा को भी रोका गया। अब जम्मू कश्मीर में जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौट चुकी है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की निगरानी है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी धारा 144 लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। श्रीनगर में न सिर्फ ट्रैफिक सामान्य हो गया है, बल्कि एटीएम से लोगों को कैश निकालने में भी कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है। कुल मिलाकर कहें तो बिल्कुल हालात घाटी में सामान्य हैं। श्रीनगर के कई इलाकों में भी फोन सेवा बहाल भी हो गई है, और इस बाबत एक रिपोर्ट दिखाएंगे हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी सैयद सुहेल ने वहां हालात का जायजा लिया है। नजर डालें आप। कश्मीर को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि कश्मीर में एटीएम काम नहीं कर रहे, एटीएम में पैसा नहीं है। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि एटीएम में खूब पैसा है। अब हम श्रीनगर में मौजूद है और हमारे सामने एटीएम है, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या एटीएम काम कर रहे हैं? एटीएम से पैसा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ये हम देख लेते हैं। फिलहाल आप ये एटीएम देख सकते हैं। हालांकि देखिए, सरकार बार बार ये कह रही है कि श्रीनगर में, कश्मीर में हालात जो है वो लगातार ठीक हो रहे हैं। अब ऐसे में पैसा सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए सरकार का ये कहना है कि रिलैक्सेशन लगातार दी जा रही है, और ईद के मौके पर भी रिलैक्सेशन दी गई। 15 अगस्त के आसपास थोड़ी सिक्योरिटी ज्यादा थी, लेकिन वो यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए थी। फिलहाल फॉर्मेलिटी सारी हो गई है, और आप देख सकते हैं प्लीज टेक योर कैश, मतलब कि पैसा निकल रहा है। यानी कि तमाम वो लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, तमाम वो लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो फिलहाल झूठ बोल रहे हैं और जानबूझकर कश्मीर को लेकर जो माहौल है वो बिगाड़ने में लगे हुए हैं, और एक गलत मैसेज दे रहे हैं। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं ये लोग, और यही वजह है कि हमने यहाँ पर आकर ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाया कि एटीएम में कैश है और यहाँ से पैसा निकल रहा है। कैमरामैन सलील सोनी के साथ अमित कुमार चौधरी, श्रीनगर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। चलिए, तो अमित चौधरी की रिपोर्ट आप तक हमने पहुंचाई, और ताजा अपडेट के लिए हम सीधा रुख कर लेते हैं घाटी का, क्योंकि अमित चौधरी और सैयद सुहेल दोनों हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। जोस्ता,
जी हाँ बिल्कुल सोहेल और अमित हमारे साथ हैं। सोहेल, अभी हम बिल्कुल हालात सामान्य लग रहे हैं, देखिए शांति है घाटी के अंदर, ये आपके पीछे की तस्वीरें भी दिखा रही हैं और आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी कि आसानी से अब एटीएम से कैश भी निकल रहा है, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है और साथ ही लोग आराम से फोन से भी अपनों को संपर्क साध पा रहे हैं। फिलहाल आप वहां पर मौके पर हैं और जानकारी क्या देना चाहते हैं रिपब्लिक भारत के दर्शकों को? जोस्ना, एक बहुत बड़ी राहत है, मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में फोन कितना इंपॉर्टेंट है इससे हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। दो मिनट के लिए हमारे पास फोन नहीं होता है तो हमें फोन याद आ जाता है और ये फोन यहाँ लगभग 10 दिन से ज्यादा वक्त तक काम नहीं कर रहा था। सोचिए, यहाँ के लोगों की एक फिक्र थी, वो जिस गली चौराहे पर मिलते थे सिर्फ एक सवाल पूछते थे, सर हमारा फोन कब काम करेगा। वो फोन अब बहाल हो गया है, BSNL के लैंडलाइन लाइन काम करना शुरू कर चुके हैं, वो रिपोर्ट भी हमने आप तक पहुंचाई है। लोगों में बेशक इस बात को लेकर खुशी है कि फोन काम कर रहे हैं, वो अपनों को फोन करके उनसे उनकी उनके हालात जान रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये खुशी जरूर है। लेकिन ये फेजेज में शुरू होगा, जो सेंसिटिव इलाके हैं उनमें धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन बाद में जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो भी शुरू होंगे। आने वाले वक्त में कुछ और रियायत दी जाएगी, हमें और क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि अगर कश्मीर के बाहर जो मोबाइल है उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ MTNL टू MTNL या फिर सिर्फ ऐसा नहीं है कि BSNL टू BSNL है। इसके अलावा अगर बात करें तो सोमवार से जो बच्चों के स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, वो खुल जाएंगे। उसके बाद ये होगा कि अगर हालात सब कुछ ठीक रहते हैं तो दो दिन के बाद उम्मीद ये है कि सेकेंडरी और फिर कॉलेजेस भी उसके बाद खुल सकते हैं। जहाँ तक अगर हम पेट्रोल पंप की बात करें तो ज़्यादातर पेट्रोल पंप जो हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन जिन इलाकों में इनपुट्स है कि तनाव हो सकता है, जिन इलाकों में लग रहा है कि वहाँ पर स्थिति खराब हो सकती है, तो फिलहाल वहाँ पर जो है अभी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है और रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर तब तक रहेगी जब तक इनको ये भरोसा नहीं हो जाता कि अगर उनको ढील दी जाती है, रिस्ट्रिक्शन हटाई जाते हैं तो भी माहौल ठीक रहेगा।